why is it that directors and producers look to get their lead heroine's voice dubbed? For a variety of reasons. It could be because the actor is not really trained in acting. She's a newcomer. She's not as confident in her dialogue delivery. Or she hasn't performed the way the director really would have liked. तो बोलती तुमने उस स्क्रिप्ट से बेटर स्क्रिप्ट लिखी है, मच बेटर. तो बोलती तुम तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिख सकती हो, तुम लिखते क्यों नहीं हो? अब मैं तो मतलब ऐसा था कि मतलब मैं सोचा कि मैं जावेद अख्तर बन गया उस दिन. पर खैर, तो एज ए यंगस्टर मैंने फिर सोचा कि लेट्स गिव इट अ शॉट. फिर लीला जी ने मुझे याद है मेरी पहली सीरीज थी सब टीवी के लिए, एक कार्टून आता था एस्ट्रिक्स. यानिक विंटर, सब तुम्हें बोन डॉक्टर कहते हैं. मजे की बात यह है कि 3 साल पहले तुम्हें मरा मान लिया गया था. वैसे जूते काफी अच्छे हैं, उसके नहीं तुम्हारे. मैं उनके वॉइस ओवर्स बहुत करता हूँ, तो ये इस फिल्म के लिए मैं एक ऑडियो बोर्ड कर रहा था उनके साथ. अच्छा. दादा की एक ये स्पेशलिटी है कि वो एक फिल्म को ऑडियो फॉर्मेट में पहले क्रिएट करते हैं बिफोर गेटिंग ऑन द शूटिंग फ्लोर. तो मैं उनके साथ इस ऑडियो बोर्ड में भी शामिल था. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम वॉइसिंग में ये सब कर सकते हो, तो इसको तुम कन्वर्ट कर दो ऑन स्क्रीन. अच्छा. तो मैंने उनसे कहा मैंने तो एक्टिंग कभी की नहीं है. तो उन्होंने कहा ऐसे करवा लेंगे. ड्यूटी है, दिल पे मत लेना. You know, people say that this voice can possibly be like another voice. This voice can match that other voice. But then he came out into Bollywood and sang something totally different. मैं तो उन्हें ढूंढ भी नहीं रहा, मैं इसे ढूंढ रहा हूँ. मतलब? ये sketches, इतन क्या जानते हैं इनके बारे में? उस पर भरोसा करता है. यकीनन या तो उसके साथ ही या उसे मिलने जा रहा है. ये चिंगारी यदि मूर्ख जनता तक पहुंच गई तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं युवराज. आज तक मैंने जो किया है वो सिर्फ एक ऐसी बात थी कि इट इन्वॉल्व 50% ऑफ अ टेक्निकल जॉब. कि जैसा कि किसके होठ हिल रहे हैं और किसकी आवाज मैं अंग्रेजी में सुन रहा हूँ और उसको थोड़ा सा इमिटेट करके हिंदी में उसको मतलब मैं वो कैरेक्टर को अपनी तरफ से न्याय देने की कोशिश मैंने की आज तक. शायद आपको ये गलत फहमी है कि मेरा ईथन की तरफ कोई फर्ज है, लेकिन इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है. ईथन हंट अब भी खुफिया तौर पर काम कर रहा है और मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया जा रहा है. अब हम दोस्त नहीं रहे. I also believe that the expectation that they have from a film professional in our country are very low. They don't really expect an actor to be as trained or as prepared. I can speak on an actor's point of view because I'm an actor. तो कौन सी चीज आप दोनों को कैसाब्लांका खींच लाई? मुझे खुफिया तरीके से लेन का भरोसा जीतने और उसके सिंडिकेट के मेंबर्स का पता लगाने के लिए भेजा गया था, और 2 सालों में पहली बार मैं अपनी मंजिल के करीब हूँ. You truly need to focus a lot because you know, not everything makes a person laugh. So you need to get that tone, you need to get that rhythm, you need to, as in Hindi when they say, wo sur pakadna. You need to know exactly where you're going. Your timing is very important. Bepana tabahi ke bina aman qayam nahi ho sakta. Jitni zyada tabahi, utna hi aman. अंत करीब है, बहुत करीब, और इसके जिम्मेदार तुम हो गए. तुम्हारा ही कोई मुकाम नहीं है इस घर में, तुम्हारा ही कोई अस्तित्व नहीं है इस घर में. तो चंद दिन पहले इस घर में आई इस लड़की का अस्तित्व क्या हो सकता है? आज भी क्या है तुमने आज तक अपने दम पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं. ये जो महंगे कपड़े तुम पहनते हो, जो लंबी गाड़ी में तुम घूमते हो, ये जो ऊंची ऊंची बातें तुम करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम वाजपेयी परिवार का हिस्सा हो, सिर्फ इसलिए. ये CIA का मिशन है,
या तो मेरा आदमी जाएगा या कोई नहीं जाएगा। तुम चाकू से वार करते हो और मैं हथौड़े से। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पुराना ग्रुप है जो नया रूप लेके आया है। पहले भी आपका साथ था, अभी भी आपका साथ चाहिए, क्योंकि हम सबसे मिलना है, हम सबसे प्यार करना है, तो यही एक जगह है जहां हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम जानते हो हम कौन है और हमारी काबिलियत क्या है? अब तक इस सिंडिकेट के बारे में कोई कदम उठाने लायक जानकारी CIA को क्यों नहीं मिली? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना नहीं, बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं उस पर इल्जाम लगा रहा हूँ। हंट खुद ही आग लगाता है और बुझाने खुद ही पहुँच जाता है। ये सिंडिकेट उसके दिमाग की कल्पना है जो उसने IMF के वजूद को सही साबित करने के लिए बनाई है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा ब्रांड, और उसके बाद उसे तबाही के हर उस मंजर के लिए जवाब देना होगा जिसके लिए सिर्फ वो और वो ही जिम्मेदार है। दोस्तों, करीब एक साल पहले मुझे फोन आया एक बच्ची का कि वो लाफ्टर योगा करना चाहती हैं, तो उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया सिविक पार्क फेडरेशन शिमपोली में। तो मैं और मेरी वाइफ सीमा भट्ट वो यहाँ पर आए, तो शुरुआत में कुछ कम लोग थे, अराउंड 20-30 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे वो 60 तक पहुंच गए। हाय, आपने मेरी आंखें खोल दी। थैंक यू सो मच। कैन आई आस्क यू फॉर अ लिटिल मोर हेल्प? मेरे डैड सुहास के साथ ये एंगेजमेंट तोड़ने नहीं देंगे। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप उनको भी एक डेमो दे दें तो यू आर रियली स्वीट। बिल्कुल आपके पीछे। अंता जी, आप भी ना कमाल करती हैं। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि वो कबाड़ी वाला आपका उल्लू बना रहा है तो जाने दीजिए ना उसे, किसी और को बुला लीजिए। और अगर आपकी वो पुरानी सिलाई मशीन 4 पैसे कम में भी बिकेगी तो दिल्ली में सरकार नहीं जाएगी।